हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल लामांगा के बीच में होने वाले T10 लीग के तीसरे मैच की। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लामांगा का ये पहला वाला मैच होगा टूर्नामेंट का और इंटेलेक्चुअल का जो है ये दूसरा वाला मैच होगा। पहला वाला जो मैच है यहाँ पर ये पायरेट्स के खिलाफ खेलेंगे और यहाँ पर दोनों की दोनों प्लेइंग 11 में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो चाहेगी यही चाहेगी कि जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड कम हो। तो यहाँ पर हमें दोनों के दोनों मैचेस में जो है प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। अपडेटेड टीम आपको हर मैच की जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कम्युनिटी टैब में। अगर मेरे पास कोई भी अपडेट आता है प्लेइंग 11 का तो वो मैं आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर कम्युनिटी टैब में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर अभी हम प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे, वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे और सारी की सारी डिटेल की अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। कौन सा प्लेयर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, पिछली जो एक महीने पहले लीग हुई थी उसमें कौन से प्लेयर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा था। तीसरा मैच है ये यूरोपियन क्रिकेट सीरीज़ का और ये जो खेले जाने वाला है वो होने वाला है इंटेलेक्चुअल लामांगा के बीच में। ये वाला जो मैच है ये होगा स्पोर्टिंग अल्फाज क्रिकेट क्लब एलिंसांटे में। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लोकल टाइमिंग के हिसाब से 1 बजे और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7:30 बजे जो है ये वाला मैच हमें लाइव देखने को मिलेगा। तीसरा मैच है इंटेलेक्चुअल का जो है पहला मैच होगा और दूसरा वाला जो मैच है, और अगर मैं लामांगा की बात करूँ तो ये जो है इनका पहला वाला मैच होगा। इंटेलेक्चुअल का ये दूसरा मैच होगा। सारे के सारे मैचेस वैसे सेम ही ग्राउंड में खेले जाएंगे, तो 4 मैचेस यहाँ पर ये वाली पिच होस्ट करेगी। जब ये वाला मैच शुरू होगा तब हमें रेन के कोई भी यहाँ पर चांसेस नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया हमें ये वाला मैच देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी हमारी जो है 29 से 41% की रहने वाली है और जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास टेम्परेचर रहने वाला है। यहाँ पर आफ्टरनून में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेम्परेचर है और यहाँ पर रेन के भी बहुत ज़्यादा कम चांसेज हैं आफ्टरनून में, तो बहुत ही बढ़िया ये वाला हमें जो है मैच देखने को मिलेगा। अब अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ एक दिन में 4 मैचेस ये होस्ट करने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इससे पहले जो है आप करीब करीब 40 ओवर पूरे के पूरे देख पाएंगे इस पिच पर। तो जब ये वाला मैच होगा तो हमें ये है पिच जो है स्लो हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो है स्पिनर्स का बोल वाला ज़्यादा देखने को मिलेगा। इतना बढ़िया हमारे पास ये बैटिंग के लिए भी नहीं रहेगा, तो जो मोर देन पार स्कोर होगा वो 80 से 85 रन के बीच में जो होगा मोर देन पार स्कोर पहली इनिंग के लिए रहेगा। बहुत ही बढ़िया ये वाला मैच हमें देखने को मिल सकता है। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल के लिए हमारे पास लॉरेंस होंगे, एस मोहम्मद होंगे, फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यू अकरम होंगे और उसके बाद जो है क्रिस्टोफर होनी हमारे पास होंगे, फिर हमारे पास जो है एस उलम इंशा हमारे पास होंगे। हीटर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हुसैन होंगे और नदीम हमारे पास होंगे। स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अकरम होंगे, यू मिर्ज़ा होंगे और उसके बाद हमारे पास जो है मोहम्मद होंगे। पेसर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हॉर्नी और ए डोगार होंगे। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो यू अकरम है, मोहम्मद है हमारे पास, फिर उसके बाद मैकगैरी हैं, एन अहमद हैं, हॉर्नी हमारे पास हैं, जी नीवी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, जी नीवी दोनों में से एक मैच में तो हमें पक्का प्लेइंग 11 में देखेंगे, एच अकरम हमारे पास हो सकते हैं, आई बैक का ऑप्शन है, जे ब्राउन का बहुत ही बढ़िया हमारे पास ऑप्शन है, यू मिर्ज़ा हैं और उसके बाद जो है एटले बर्लोप हमारे पास रहेंगे। अब अगर मैं लामांगा की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो इनके ओपनर हैं बहुत ही बढ़िया हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए और पिछली वाली जो लीग हुई थी वहाँ पर भी इनके ये 3-4 प्लेयर ने ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ हमारे पास एडम है और हमारे पास टी नॉल्स हैं। टी नॉल्स और एडम की परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रही थी पिछले वाली लीग में। मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जोनाथन है, फिर उसके बाद टी कुलशाव है। टी कुलशाव की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर पिछले वाले जो एक महीने पहले जो मैचेस हुए हैं T10 लीग के वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास चार्ली हैं, पॉल हार्वी हैं, पॉल हार्वी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जोनाथन है, पॉल हार्वी स्पिनर हैं अपनी टीम के लिए, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाले प्लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर जो है लामांगा यहाँ पर सेकेंड बॉलिंग करती है तो यहाँ पर स्पिनर्स का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हमें देखने को मिलेगा। अमनदीप सिंह हमारे पास हैं, सी वुड हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास टॉम है, फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जो है पी सिंह रहेंगे और उसके बाद जो हमारे पास है चार्ली हैं। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एडम हमारे पास रहेंगे, फिर उसके बाद पॉल फ्रेचर हैं, चार्ली हैं, टी नोज हैं, यूज हमारे हमें खेलते हुए दिखेंगे, यूज या पॉल में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद हमारे पास रविंदर सिंह हैं,
हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सी वुड हैं, ओली जारविस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जे बुक हैं, फिर हमारे पास एल्फी हैं और सोहेल खान हैं। अगर ओ जारविस खेलते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अभी हम टीम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ, हमारे पास जो विकेट कीपिंग ऑप्शन है एल मैकगरी हैं और ए एल्गर और टी नॉल्स हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर टी नॉल्स खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। वाइस कप्तान भी आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं, इतने बढ़िया ये पिछली इनिंग में परफॉर्मर, पिछले जो मैचेस हुए थे वहाँ पर इतनी बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रही थी। अब अगर मैं यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन की बात करूँ तो के वुड का ऑप्शन हमारे पास बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर लाम मांगा के लिए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में कप्तान रख सकते हैं। एस मोहम्मद होंगे, यू अकरम हमारे पास होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जे ब्रूक अगर खेलते हुए हमें दिखते हैं तो जे ब्रूक का ऑप्शन हमारे पास बहुत बढ़िया रहेगा। एम शफीक हमारे पास होंगे और उसके बाद जो हमारे पास है पी फ्लेचर होंगे। जे ब्राउन के यहाँ पर खेलने के चांसेस हैं पर जे ब्राउन के बहुत ही कम यहाँ पर खेलने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन होगा वो हमारे पास चार्ली होंगे, फिर उसके बाद पी सिंह होंगे, सी हॉर्नी होंगे। उसके बाद अगर ओ जारविस खेलते हैं, ओ जारविस हमारे लिए पिछले वाले जो इनकी सीरीज़ हुई थी वहाँ पर ओ जारविस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। आप जो है अगर ओ जारविस खेलते हैं तो इन्हें कप्तान वाइस कप्तान अपनी टीम में बना सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जो है जी निवी का ऑप्शन रहेगा, दोनों में से एक मैच में हमें खेलते हुए दिखेंगे। पी हैंसे और पी हार्वी में से अगर कोई भी खेलता है तो आप ज़रूर इन्हें अपनी प्लेइंग 11 में रखिएगा, क्योंकि पी हैंसे और पी हार्वी भी बहुत ही बढ़िया अपनी टीम के लिए परफॉर्मर रहे हैं पिछले वाले जो T10 लीग हुई थी स्पेन की। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉलिंग ऑप्शन की तो हमारे पास सी वुड हैं, ए बर्लॉप हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा यू मिर्ज़ा का रहेगा। यू मिर्ज़ा हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे इंटेलेक्चुअल में से। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो आई बैक का रहेगा, आई बैक के यहाँ पर खेलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ए डोगार हमारे पास रहेंगे और उसके बाद जो हमारे पास हैं वो ए सिंह हमें खेलते हुए दिखेंगे। दोनों के दोनों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अपनी टीम के लिए रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एच अक्षरी का ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा, एच अक्षरी भी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं प्लेइंग 11 में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेट हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा तो वो क्या अपडेट होगा और उसके हिसाब से हमारी टीम कैसे अपडेट होगी वो सारी की सारी डिटेल टीम अपडेटेड टीम जो है मैं आपको कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली वाली टीम में जो मैंने कप्तान रखा है वो यहाँ पर चार्ली को रखा है और जो मेरे वाइस कप्तान है यहाँ पर मैंने एम शफीक को रखा है, ए एल्गर रखे हैं, यू अकरम रखे हैं, पी फ्लेचर रखे हैं, सी हॉर्नी हैं, जी निवी हैं, पी सिंह हैं, आई बैग हैं, ए बर्लॉप हैं और उसके बाद सी वुड हैं। ये वाली टीम अगर ऐसी ही बिल्कुल सारे के सारे प्लेइंग 11 में प्लेयर होंगे तो आप जो है स्मॉल लीग में और स्मॉल ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा फेवरेबल ये वाली टीम है, पर यहाँ पर मुझे एक दो प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा शक है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पी फ्लेचर के यहाँ पर थोड़े से खेलने के कम चांसेज और जी निवी के भी यहाँ पर थोड़े से खेलने के कम चांसेज हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर ये वाली टीम ऐसे अगर आप लेकर जाते हैं तो स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। दूसरी वाली टीम हमारी स्मॉल लीग के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ए एल्गर और के वुड की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले वाले मैचेस में रही थी कि यहाँ पर आप कप्तान वाइस कप्तान इन्हें अपनी स्मॉल लीग में यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर बताऊँ एल मैकगरी हमारे पास, फिर उसके बाद यू अकरम है, एस मोहम्मद हैं, सी हॉर्नी हैं और जारविस हैं, चार्ली मैंने रखे हुए हैं, फिर उसके बाद जो है ए डागर हैं, यू मिर्ज़ा हमारे पास हैं और ए सिंह हमारे पास हैं। ये वाली टीम हमारी स्मॉल लीग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। पहली वाली टीम आप स्मॉल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में भी यूज़ कर सकते हैं। पहली वाली टीम में अगर कोई भी चेंज होगा तो वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता दूंगा और उसका जो है रिप्लेसमेंट, कोई अगर प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं होगा तो उसका रिप्लेसमेंट भी आपको मैं बेस्ट रिप्लेसमेंट वहां पर बता दूंगा और एक अपडेटेड टीम वहां पर मैं आपको दे दूंगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो टीम है हमारी ग्रैंड लीग की रहने वाली है। चार्ली को यहाँ पर मैंने कप्तान रखा हुआ है और जो मेरे वाइस कप्तान है यहाँ पर मैंने ए एल्गर को रखा हुआ है, एल मैकगरी रखे हैं, यू अकरम रखे हैं, एम शफीक रखे हैं, पी फ्लेचर रखे हैं, सी हॉर्नी हैं, ओ जारविस हैं, आई बैग हैं, यू मिर्ज़ा हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सी वुड को रखा हुआ है। ये वाली टीम हमारी ग्रैंड लीग में बहुत ही बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो पहली वाली जो टीम है वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो वो वाली टीम है स्मॉल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरी वाली टीम में अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल लीग के
लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तीसरी वाली ये वाली जो टीम है हमारी ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही फेवरेबल टीम रहेगी। ओ जारविस को आप जो है यहाँ पर वाइस कप्तान बना सकते हैं। सी हॉर्नी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर स्मॉल लीग में आपके पास जो कप्तान वाइस कप्तान का ऑप्शन रहेगा, यू अकरम और एस मोहम्मद को जो है यहाँ पर आप कप्तान या वाइस कप्तान अपनी टीम में रख सकते हैं। और ओ जारविस का ऑप्शन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो कप्तान वाइस कप्तान भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।